हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडेज टॉपिक इज मेमोरी यूनिट। इन दिस यूनिट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रैम एंड रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और लोकेशन वेरिएबल, बिकॉज यू हैव स्टडीड इन लोअर क्लासेस आल्सो। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज ए वोलेटाइल मेमोरी, दैट मीन्स वी कैन चेंज और वी कैन एक्सेस कैन चेंज। रीड ओनली मेमोरी ROM stands for the read only memory. We can see that whenever you on your computers first time, the black screen and the messages are shown in the black screen. This message will be written in the ROM. We can't change it. This is the example of ROM. Now, secondary storage devices in this category, we have the magnetic tape, mass auxiliary storage devices, hard disk, फिक्स हेड, मोबाइल हेड, टाइप ऑफ हार्ड डिस्क। ये हार्ड डिस्क क्या है आपका, ये भी एक आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है। इसकी वर्किंग क्या है, इसके अंदर बहुत सारे स्टैक होते हैं, डिस्क होते हैं। जैसे एक डिस्क हैज रिकॉर्डेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इन कॉन्सेंट्रिक सर्किल ट्रैक्स ऑन द डिस्क। एक डिस्क के अंदर बहुत सारे सर्किल्स होते हैं, उसमें भी बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं। डाटा जो है होता है वो ट्रैक्स में सेव हो जाता है। हियर द टाइप्स ऑफ द हार्ड ड्राइव, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट पेटा, सीरियल ATA, साटा, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस SCSI, सॉलिड स्टेट ड्राइव। दिस आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ हार्ड ड्राइव यूज इन कंप्यूटर सिस्टम। अप टू 12 TB साइज HDD इज अवेलेबल इन मार्केट। मोबाइल सिस्टम, द न्यू टॉपिक इज मोबाइल सिस्टम। ए मोबाइल फोन इज एसेंशियली ए टू वे रेडियो कंसिस्टिंग ऑफ रेडियो ट्रांसमीटर एंड ए रेडियो रिसीवर। मोबाइल फोन बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ रेडियो ट्रांसमीटर एंड रेडियो रिसीवर। हियर इन दिस फिगर यू कैन सी दैट मोबाइल एंड द सिग्नल ट्रांसमिट टू टावर, देन सिग्नल ट्रांसमिट टू वायरलेस एक्सेस पॉइंट, देन रिमोट वायरलेस एक्सेस पॉइंट एंड देन सिग्नल्स ट्रांसमिटेड टावर टू मोबाइल। दिस इज द प्रोसेस ऑफ मोबाइल। मोबाइल फोन कंपोनेंट्स, ए सर्किट बोर्ड एज ब्रेन ऑफ द फोन, एन एंटीना, LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ए कीबोर्ड, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, स्पीकर, बैटरी। दीज आर द पार्ट्स कंपोनेंट्स, मेन कंपोनेंट्स ऑफ द मोबाइल फोन। फर्स्ट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टच स्क्रीन, TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। LCD डिस्प्ले इज यूज फॉर बेटर इमेज क्वालिटी एंड हाई रेजोल्यूशन, सिंस दे आर चीप टू मैन्युफैक्चर। दे आर फाउंड इन बजट फोन यूजुअली। IPS, in place switching, LCDs are somewhat the advanced version of TFT LCDs in a way that they offered improved display and are more battery friendly, hence they are found in high end phones. This is the better technology rather than the LCD, resistive and capacitive. They are the generally two types of touch screen. LCD displays the resistive and capacitive. Resistive touch screen has the two layer and the capacitive screen ends to be more responsive than resistive screen and therefore found in high end phones mostly. These are the different types of touch screen, or you can say this LCD OLED. Organic light emitting diode is a newer technology used in mobile and monitors for display. They are the better than LCDs because they offer fast response times, wider viewing angles and higher brightness. These are the features of this OLED, organic light emitting diode. You can learn these abbreviations because the abbreviations is important for your exam. AMOLED, AMOLED active matrix organic light emitting diode, and super AMOLED displays are types of OLED display. OLED type of include passive matrix, OLED active matrix, LED stand transport OLEDs. Dear students, please study, look, go through this video and note out the important points, make proper notes. Till then, thank you, have a nice